हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में लाइट का प्रोपगेशन किस तरह से होता है। ठीक है, तो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जो प्रीवियस वीडियोस में हम लोग डिस्कस किए थे वो था ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का जो ऑप्टिकल फाइबर हम यूज करते हैं उस फाइबर का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, मटेरियल क्या यूज होता है, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के थ्रू लाइट कैसे आगे बढ़ता है, मतलब लाइट का प्रोपगेशन किस तरह से होता है थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हमको एक बात ध्यान में रखना होगा कि प्रोपगेशन ऑफ लाइट बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, उनमें से सबसे पहला फैक्टर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट मीडियम, ठीक है, इन दोनों का रेशियो। ठीक है, मतलब आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि एक इंसिडेंट रे आ रहा है, ठीक है, ये एक सरफेस है, ये ब्लैक कलर जो यहाँ पे एक सरफेस है। ठीक है, तो ये दो तरीके का मीडियम है, एक ये हो गया आपका एयर वाला मीडियम, ठीक है, या मान लो कोई भी मीडियम, यहाँ पे हमने ग्लास पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इंसिडेंट आएगा, यहाँ पे वो टकराएगा, उसके बाद ये आइडर, इसको हम बोलेंगे रिफ्रेक्टेड रे, जो आइडर नॉर्मल की तरफ झुकेगा या फिर नॉर्मल से अवे हो जाएगा, ठीक है, या दूर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसको हम रिफ्रेक्टेड एंगल बोलते हैं। ये बेसिक्स हम सबको पता है और यही बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो n रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है जो कि c अपॉन v है, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ये आप ग्लास पकड़ सकते हो, वाटर पकड़ सकते हो, कुछ भी मीडियम आप पकड़ सकते हो, और वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमको याद है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर, देखिए यहाँ पे हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक्स होगा स्नेल्स लॉ। हमको ये पता है स्नेल्स लॉ क्या है, ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करता है जो कि साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रेक्टेड एंगल होता है। तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चीज स्नेल्स लॉ का आता है, ये तो एक आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन होता है, और दूसरा स्नेल्स लॉ क्या देता है हमको कि ये जो इंसिडेंट रे है, जो ये सरफेस है और जो रिफ्रेक्टेड रे है, वो हमेशा सेम प्लेन में रहता है। ये भी एक पॉइंट आता है स्नेल्स लॉ में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली इसको ही कंसिडर करेंगे जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए इसको स्नेल्स लॉ का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा तो वो इस तरीके का होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने दो मीडियम ले लिया है। देखिए ये वाला मीडियम है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा n1, और ये देख सकते हो आप ब्लू कलर में है, वो एक दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है n2। ठीक है, तो आप लोग देखिए ये ऑप्टिकल फाइबर के टर्म्स में समझिए। ठीक है, ये कोर होगा n1, जो होगा ऑप्टिकल फाइबर में ये होगा कोर, और n2 को हम क्लैडिंग से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, ये होगा क्लैडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, n1 एंड n2 रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस है। ठीक है, कोर और क्लैडिंग का। ओके, तो अब देखो ये हो गया नॉर्मल, तो θ1 हो गया आप लोगों का एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये हो गया θ2, हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये हमको पता है, तो हम स्नेल्स लॉ को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n1 sin θ1 = n2 sin θ2। ठीक है, ये बेसिकली होता है। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से भी डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे बेसिकली हम एन से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम, और ये होगा टू, मतलब कौन से मीडियम से कौन सा मीडियम तक जा रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, और इसको कैसे क्या बोलते हैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वन, मतलब कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसको ही हम एक्चुअली लिखते हैं सी अपॉन वी, जो बेसिक डेफिनेशन जो होता है, और यहाँ से ही हम एक्चुअली इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 1 μ2 = c/v = हम लिखते हैं sin of i / sin of
ठीक है। तो यहां से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आएगा, ठीक है, अब एक बार ध्यान से देखना, ये जो वन और ये जो टू है, ठीक है, मैंने पहले भी एक बार रिपीट किया है कि ये है कौन सा मीडियम, कहाँ से कहाँ तक। मैं यहाँ पे एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे गलतियाँ करते हैं, और ये गलतियाँ ना करने के लिए एक तरीका है कि अब देखो यहाँ पे जो दूसरा वाला मीडियम होगा, ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग का दूसरा वाला मीडियम रहता है, ये वाला दूसरा वाला मीडियम, इसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा वो हम ऊपर लिखेंगे एन टू, और ये जो वन होगा उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब टू वाला जो नीचे वाला होगा वो जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है, और जो ऊपर का आएगा वो होगा आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। तो फिर आप देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैसे आएगा, एन वन साइन आई इक्वल्स टू एन टू साइन आर, ठीक है। तो इसी को ही अगर आप इस डायग्राम के रेस्पेक्ट में आप देखो तो ये आई हो गया, यहाँ पे ये आई हो गया थीटा वन, और यहाँ पे आर हो गया थीटा टू। तो यही वाला जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है वो वाला सेटिस्फाई करता है, ये बेसिक है, ठीक है, आप इसको समझिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इसको हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट टर्म्स आता है, वो है क्रिटिकल एंगल, ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जस्ट ये रिविजन है, ठीक है। अब देखो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है आपका ये इंसिडेंट एंगल ही होता है, ठीक है। लेकिन जब हम क्रिटिकल एंगल के बारे में बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हम लोगों को ध्यान में रखना होता है, वो होता है कि जो हम मीडियम यूज करते हैं वो किस तरह का मीडियम है, मतलब वो रेयरर मीडियम है या फिर डेंसर मीडियम है, ठीक है। हमको दो मीडियम तो हमको चाहिए चाहिए, लेकिन क्रिटिकल एंगल होने के लिए हम लोग को एक बहुत ही नेसेसरी एक क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, वो होता है जो लाइट रे है वो हमेशा डेंसर मीडियम से हमेशा रेयरर मीडियम तक ट्रेवल करना जरूरी है, ठीक है, याद रखना ये वाला चीज, हमेशा डेंसर से रेयरर तक ही जाएगा। तो डेंसर से रेयरर तक जाने का मतलब है जो रिफ्रेक्टिव रे होता है वो नॉर्मल से हमेशा दूर भागेगा, ठीक है, और अगर ये उल्टा हुआ, मतलब रेयरर से अगर डेंसर तक गया, तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोग का जो रिफ्रेक्टेड रे है, ठीक है, ये रिफ्रेक्टेड रे क्या होगा, वो क्लोजेस्ट टूवर्ड्स नॉर्मल, मतलब क्या होता है, वो नॉर्मल के पास आएगा, और ये होने का मतलब क्या हुआ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल के बारे में हम जब बात करते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। अब देखो क्रिटिकल एंगल किससे रिप्रेजेंट होता है, थीटा सी से रिप्रेजेंट होता है, ये थीटा सी होता है क्रिटिकल एंगल। अब देखो ये जो पहला वाला ये जो लाइन है, ठीक है, अब देखो ये वाला जो ब्लैक वाला जो लाइन है, ठीक है, ये ब्लैक वाला लाइन देखो ये लेस देन थीटा सी है, ये थीटा वन जो ये लेस देन थीटा सी है, तो ये रिफ्लेक्ट हो गया दूसरा मीडियम में, राइट, और रेयरर मीडियम में गया है, इसलिए अब देखो थीटा टू हमेशा ग्रेटर देन थीटा वन रहा, ठीक है। अब देखो ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे, ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन देखो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से रिफ्रेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल हुआ, ये वाला एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री, यही वाला आप डायग्राम यहाँ क्लियरली आप देख सकते हो, ठीक है, राइट। तो थीटा वन जब इक्वल्स टू थीटा सी हो गया, तो थीटा टू कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन क्या है, क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन है इंसिडेंट एंगल का वैल्यू आपका डेंसर मीडियम में, जिसके लिए रेयरर मीडियम में रिफ्रेक्टेड एंगल का वैल्यू होगा 90 डिग्री, ठीक है, ये आपको याद रखना है, करेक्ट। तो अगर देखो आप स्नेल्स लॉ यूज करोगे, तो अभी अभी हमने इसको डिफाइन किया था, एन वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू एन टू साइन थीटा टू, करेक्ट। अब क्रिटिकल एंगल थीटा टू का वैल्यू कितना हुआ, 90 डिग्री, तो यहाँ पे आप 90 डिग्री पुट करो, एन वन साइन थीटा वन इक्वल्स टू एन टू साइन 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना हुआ, एन टू, ठीक है, करेक्ट। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं, एन वन थीटा वन को यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा सी, बिकॉज थीटा वन इज नथिंग बट इक्वल्स टू थीटा सी, तो ये हो गया आपका एन टू, करेक्ट। तो साइन थीटा सी क्या होगा, एन टू अपॉन एन वन, तो थोड़ा मॉडिफाई करोगे तो थीटा सी का वैल्यू आएगा साइन इनवर्स ऑफ एन टू अपॉन एन वन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्रिटिकल एंगल का, ये भी हमको याद रखना है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, तो इसका एक स्मॉल छोटा सा वाला डिराइवेशन यहाँ पे है, ठीक है, ये याद रखना है, ओके। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आएगा हम लोगों को,
मिलेगा वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल हम लोगों को चाहिए। अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला जो डॉटेड लाइन है, ये वाला हो गया क्रिटिकल एंगल थीटा सी। तो इसके लिए ये है आप लोगों का रिफ्रेक्टेड एंगल। तो ये वाला एंगल रहा कितना, 90 डिग्री, अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो अगर जो इंसिडेंट एंगल होगा वो अगर थीटा सी मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, ये लाइन, ये जो सॉलिड लाइन आप देख रहे हो वो एक रिफ्रेक्टेड रे है, वो इस मीडियम में नहीं जा रहा है। देखिए ये जो मीडियम टू है ना हम लोग का, ठीक है, ये जो मीडियम टू है इसमें नहीं जा रहा है, ये वापस से मीडियम वन में ही आ रहा है। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होना चाहिए, जो इंसिडेंट एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तब लाइन रिफ्रेक्टेड नहीं होके लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा पहले वाले मीडियम में। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो प्रोपगेशन होता है लाइट का, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फेनोमेना यही है। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसलिए लाइट सिग्नल या फिर लाइट रे ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू पास ऑन होता है, आगे बढ़ता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या सीखा, हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस किया। सबसे पहले आता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सबसे पहले आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद आप लोगों को मिलेगा क्या, क्रिटिकल एंगल हमने डिस्कस किया। ठीक है, ओके, क्रिटिकल एंगल डिस्कस किया, उसके बाद हमने डिस्कस किया TIR, जिसका मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बेसिक्स है। ठीक है, अब एक नया वाला टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, वो होगा एक्सेप्टेंस एंगल। लेकिन फिर भी आप पहले ये वाला डायग्राम को एक बार देख लो। ठीक है, ये इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर के केबल के बारे में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसा है वो दिखाया गया है। ठीक है, अब देखो ग्लास कोर, मैंने ऑलरेडी बताया था कि ग्लास कोर का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा वो क्लैडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसा होता है, दो तरीके का यहाँ पे हम लोग को इंटरफेस मिलता है। पहला इंटरफेस आप देख सकते हो कहाँ पे, यहाँ पे, ये पहला वाला इंटरफेस है। तो ये वाला इंटरफेस किसके लिए है, ये तो हो गया आप लोग का एयर और ये हो गया आपका कोर। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल है ये हमेशा एयर और कोर के बीच में आपको देगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन देगा। अब देखो ये आपका कौन सा मीडियम हुआ, ये आपका हो गया रेयरर मीडियम क्योंकि एयर है, और ये हो गया आपका डेंसर मीडियम। ठीक है, अब देखो ये इंसिडेंट आपका लाइट रे है। ठीक है, करेक्ट, तो ये डेंसर मीडियम में जा रहा है, करेक्ट। तो अब देखो ये क्या हो रहा है, नॉर्मल से अवे तक जा रहा है। ठीक है, करेक्ट। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक नॉर्मल आ गया। तो यहाँ पे ये वाला कौन सा आपका इंटरफेस मिला, ये हो गया आपका कोर, ये तो हमको पता है, और ये हो गया आपका क्लैडिंग। ठीक है, ये कोर क्लैडिंग इंटरफेस हुआ, मतलब ये दो मिलेगा हमको यहाँ पे, एक तो मिलेगा एयर एंड कोर। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, एयर एंड कोर पहला वाला इंटरफेस, और दूसरा वाला इंटरफेस मिलेगा कोर और क्लैडिंग। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे आपका हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये फिर से वापस कोर में ही समा गया है। ठीक है, यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट बात आप लोग को याद रखना है, अगर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ तो ये सिग्नल यहाँ पे लीक कर सकता है, मतलब क्लैडिंग में जाएगा। तो क्लैडिंग में जाने का मतलब क्या हुआ, आपका सिग्नल लॉस हो सकता है। इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमको ऑलमोस्ट क्या होता है कि सिग्नल लॉस एकदम मिनिमाइज करता है। ऑलमोस्ट 99.99% सिग्नल स्ट्रेंथ हमें कोर में ही मिलता है। तो इसलिए हम पहले ही वीडियो में डिस्कस किए थे कि जो हम लॉस होता है एसोसिएट टू ऑप्टिकल फाइबर केबल वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब देखो ये वाला एक इम्पोर्टेंट टर्म रहा, ये है एक्सेप्टेंस एंगल। ठीक है, एक्सेप्टेंस एंगल क्या है, ये एक्सेप्टेंस एंगल एक्चुअली जो एयर और कोर का जो इंटरफेस है उसमें डिफाइन होता है। आप लोग देख सकते हैं ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे, ये होता है एक्सेप्टेंस कोन। एक्सेप्टेंस कोन का मतलब क्या हुआ, कोई भी लाइट रे अगर इस एयर एंड कोर इंटरफेस में इंसिडेंट होगा तो वो हमेशा इस कोन में ही रहना है। ठीक है, अगर आपका इंसिडेंट रे, अब देखो यहाँ पे ये वाला पहला वाला लाइन, ये वाला लाइन देखो आप लोग। ठीक है,
ये बढ़िया से आके, तो यहाँ पे जो आपका कोर एंड क्लैरिंग इंटरफेस हुआ, तो यहाँ पे TIR होके वापस कोर में ही समा गया है, ठीक है, वो क्लैरिंग पे नहीं गया है। लेकिन ये दूसरा वाला लाइन आप लोग देख सकते हो जो रेड मार्किंग में है, ये वाला लाइन आप देखो, ये वाला लाइन देखिए, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस एंगल से बाहर है, ठीक है, मतलब इसका वैल्यू एक्सेप्टेंस कोण से ज्यादा है, तो इसलिए ये क्लैरिंग तक चला गया है, ठीक है, मतलब यहाँ पे TIR नहीं हुआ है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्टेंस एंगल क्या है, पहले बात तो ये है। तो एक्सेप्टेंस एंगल होता है, ये मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल होता है, याद रखिए ये मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट करके दे रहा हूँ, ये मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल होता है, ठीक है, जिससे कोई भी लाइट रे आपका एयर एंड कोर इंटरफेस में स्ट्राइक करता है, ठीक है, ये हमको हमेशा याद रखना होगा, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा यहाँ पे इलेबोरेट करके बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एयर ग्लास इंटरसेक्शन एन एंटर्स द कोर, ठीक है, ये कोर यहाँ पे मिस हो गया था, तो एन एंटर्स द कोर, ओके फाइन। तो इसी को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे तो आप अच्छी तरह से देखोगे कि ये क्लैडिंग है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N2 है, ठीक है, ये कोर है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N1 है, आप देख सकते हो, राइट। ये आपका ये जो डैश लाइन है, ये मोर देन थीटा नॉट, थीटा नॉट क्या है, ये थीटा नॉट है एक्सेप्टेंस एंगल, ये थीटा नॉट होता है आपका एक्सेप्टेंस एंगल, और ये जो कोण आप देख रहे हो ना, ये कोण होता है एक्सेप्टेंस कोण, ठीक है, मतलब इस कोण का जो हाफ होगा, ये वाला पार्ट होगा आपका एक्सेप्टेंस एंगल, या फिर आप नीचे से भी ले सकते हो, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, ये भी आपका थीटा ए, ठीक है, थीटा ए या फिर थीटा नॉट, ठीक है, इसको हम एक्सेप्टेंस एंगल बोलते हैं। याद रखिएगा, विद इन एक्सेप्टेंस कोण आपको किसी भी लाइट रे को एयर एंड कोर इंटरफेस में इंसिडेंट करवाना है, तभी आपको कोर और क्लैडिंग में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे ही हम कंक्लूड करते हैं, आगे की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल अपर्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, तो और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सेप्टेंस एंगल और न्यूमेरिकल अपर्चर कैसे लिंक होता है। थैंक यू।